5,500 साल वैसे सुनने में तो काफी कम लगते हैं, लेकिन सोचो तो न जाने कितनी पीढ़ियां काल के कपाल में समा चुकी हैं। मगर इतने साल बीत जाने के बाद भी दुनिया में अगर कहीं कोई महाभारत काल का जिंदा गवाह मौजूद है तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारिजात वृक्ष की। सुनने में हैरानी और उत्सुकता जरूर हो रही होगी कि आखिर वो कौन गवाह है और किस वजह से हम पारिजात वृक्ष का नाम ले रहे हैं। हम आपको पूरी घटना बताएंगे, पूरा क्रम बताएंगे और पूरी कहानी सुनाएंगे कि किस वजह से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में इसकी स्थापना हुई। तो आइए जानते हैं पारिजात वृक्ष की कहानी। हाँ, ये अंतिम व्यापार में आया था। हाँ, ये कितने वर्षों से? 6,673 वर्ष जी। इसके पेड़ की उम्र हो रही है जी। ये आया था माता कुंती के पूजा करने के लिए, अर्जुन लेके आए जी स्वर्ग से जी। इसको लाए, बाण द्वारा स्थापित किए। इसकी जड़ पाताल तक है, 6 महीना हरा भरा रहता है, 6 महीना सूखा रहता है। इसमें फूल होता है और फल नहीं होता है। इसी का फूल माता कुंती ने जब कुंतेश्वर भोलेनाथ को चढ़ाया तो पांडवों की महाभारत में विजय प्राप्त की। ये 14 रत्नों में रत्न दिखाई मान है। ये घर ले जाके रखते हैं लोग, सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी प्राप्ति कई एक काम में आता है। पास में 1 किलोमीटर दूरी पड़ता है जी, जो वहाँ पूजा करने के लिए जाती थी जी। जब 1,25,000 फूलों से पूजा किया तो विजय प्राप्त हुई और महाभारत में अर्जुन नकुल का आदि हुई थी। कौन लाया था इसे, इस वृक्ष को? अर्जुन। अर्जुन लाए थे, किस लिए? माता कुंती के पूजा करने के लिए। माता कुंती के। क्या नाम है आपका? हुआ मेरा नाम मनोज दास करते हैं। ये यहाँ के मौजूद महंत थे और इनका नाम भी आपने सुन लिया होगा और इनकी पूरी बातें सुनने के बाद आप पूरी कहानी सुन चुके होंगे। पर यहाँ के आने वाले मुसाफिरों का क्या कहना है? क्या नाम है आपका? आप यहाँ पारिजात वृक्ष देखने आए हैं? इसकी मानवता के हिसाब से देखने आया हूँ, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है। हाँ, क्या इसमें लिखा है? ग्रंथों में लिखा है कि माता जी ने लाया है इसको, इसको वृक्ष से देखने या उसकी मनोकामना पूर्ण होती है ना जी। तो यहाँ के महंत और यहाँ पर आ रहे मुसाफिरों की बातें सुन करके आप पूरा माजरा समझ चुके होंगे। फिलहाल यहाँ पर मेले का भी आयोजन होता है और तरह तरह के सामान भी वितरित किए जाते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश समेत बाराबंकी जनपद के लिए ABN न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट और इस तरह की तमाम कहानियों और खबरों के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।